पहले जो भी मूवी रिलीज होती थी वो एक या दो लैंग्वेज में होती थी, ज्यादा से ज्यादा तीन लैंग्वेज में रिलीज हो जाती थी। लेकिन 2021 के बाद पैन इंडिया मूवी रिलीज काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि 2021 और 22 में काफी सारी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है, जैसे कि विक्रांत रोना, विक्रम, RRR, पुष्पा, कार्तिकेय, KGF 2 जैसी मूवी ने काफी अच्छे रिस्पॉन्स दिया है। तो ऐसे ही सबसे बड़ी 5 अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है RC-15। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एस शंकर, जिन्होंने रोबोट एंड रोबोट 2.0 जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस मूवी के लीड रोल में हमें रामचरण और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के अंदर रामचरण का हमें डबल रोल देखने को मिलेगा। ये मूवी पॉलिटिकल बेस्ड थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस मूवी का बजट 170 करोड़ प्लस होने वाला है। ये मूवी 2023 तक आपको देखने को मिल जाएगी। 2 पर आती है NTR 30। इस मूवी में आपको जूनियर NTR देखने को मिलेंगे। इस मूवी को भी पैन इंडिया मूवी रिलीज किया जाएगा। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं कोराटाला शिवा, जिन्होंने जनता के राज, आचार्य जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस मूवी का बजट 300 करोड़ प्लस होने वाला है और ये मूवी 2023 तक आपको देखने को मिल जाएगी। 3 पर आती है वरिसु। इस मूवी के अंदर विजय थलापति और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी को 150 से 200 करोड़ के बड़े बजट में बनाया जा रहा है। इस मूवी को आपको 2023 तक देखने को मिल सकती है। नंबर 4 पर आती है टाइगर नागेश्वर राव। इस मूवी के लीड रोल में आपको रवि तेजा देखने को मिलेंगे और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं वंशी, जिन्होंने महर्षि जैसी बड़ी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं और इस मूवी का बजट 250 करोड़ के पार होने वाला है। तो नंबर 5 पर जो मूवी आती है उसका नाम है जवान। इस मूवी में हमें शाहरुख खान और नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एटली कुमार, जिन्होंने मार्शल एंड तैरी जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। ये मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी 2 जून 2023 को रिलीज होगी।